आज हम पानी पूरी बनाने जा रहे हैं, तो देखिए हम किस तरह से आज पानी पूरी बनाएंगे। तो 1 कप हम आटा ले लिए हैं और इधर 1 कप मेरा सूजी है। दोनों को बराबर ले लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बने इस करेंगे। दोनों को हम बराबर ले लिए हैं। तो दोनों को हम मिक्स कर लिए हैं और इसको इस तरह से हमको सानना है। आटा को बिल्कुल एकदम टाइट करके सानेंगे। तो देखिए गाइस, आटा सानना शुरू कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, इस तरह से आटा सान लिए हैं, एकदम पूरा टाइट आटा है। और इसको 2-3 घंटा फूलने के लिए देंगे, जो कि अच्छा मेरा कुरकुरे गोलगप्पा बने। तो इस तरह से आटा टाइट करके सानना है। तो मेरा आटा सना गया है, थोड़ा सा इसको और गूंथना है। लोइया बना करके 3 घंटा इसको फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस देखिए, मेरा आटा सान करके तैयार हो गया है। और इसी प्रकार से हम लोइया बना करके अब इसको 3 घंटा हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें ढकने के लिए कपड़ा भिगा करके रखे हैं। तो ये आटा को हम कपड़ा भिगा करके ढक देंगे। इस तरह से ढक दिए और अब इसको 3 घंटा हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटा मेरा अच्छे से फूल जाएगा, तब फिर गोलगप्पा बनाना शुरू करेंगे। फूल करके 3 घंटा समय मेरा पूर गया है। तो आटा देखिए किस तरह से फूला हुआ है, इस तरह से फूल गया आटा, बहुत अच्छा हो गया है। देखिए आटा कितना टाइट आटा था और अभी कितना लूज हो गया। अब इसका लोई बनाएंगे। इस तरह से आटा का लोहिया हम बना लिए। इसको अब रोटी के जैसा बेल लेना है। इसको और ज्यादा पतला करना है, अभी तो मोटा है। इस तरह से हम आटा को बेल लिए हैं, देखिए एकदम पतला है। अब इसको हम ये काटने के लिए 1 गिलास रखे हैं, तो इसी से हम एक एक करके काटते जाएंगे। कटिंग मेरा हो गया है, अब इसको हटा लेंगे। तो इस तरह से हम कटिंग कर लिए हैं। और ये देखिए भिगा हुआ कपड़ा रखे हैं, अभी जो कटिंग किया हुआ गोलगप्पा हम कटिंग करके जो रखे हैं, इसको हम भिगा हुआ कपड़ा में, तो नमी होने के लिए कि मतलब इसमें जो परथनी जो आटा जो लगाए है ना, एक जैसा मतलब जो कि छंकने में कोई दिक्कत नहीं आए, इसको हम भिगा हुआ कपड़ों में रख लेंगे। और अब इसको ढक देंगे। तो देखिए अब मेरा कढ़ाई पूरा अच्छे से हीट हो गया है, तेल गरम हो गया है। अब एक एक पीस करके इसमें डालते जाएंगे गोलगप्पा। देखिए मेरा बना हुआ जो पीस बनाए हैं। तो इस तरह से मेरा देखिए कितना अच्छा फूल रहा है, देखते जाइए। एक एक पीस करके डालते जा रहे हैं। और इस तरह से सारे गोलगप्पे को बनाएंगे। अभी तो शुरू किए हैं, तो इतना सारा ही बना हुआ है मेरा। देखिए किस तरह से मेरा एक एक भी पीस फूलने के लिए नहीं बचा है, सारा पीस मेरा फूल गया है।